बिना मटन के तो ये रह नहीं सकते हैं। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि जैसे हम मतलब कभी गर्मी छुट्टी में नैहर चले गए, मतलब गया तक हम पहुँचे हैं और गया तक तब तक इनका फ़ोन आ जाता है कि हम मछली भात बना के खा लिए, मतलब गया पहुँचते पहुँचते। और जब हम मतलब जाएं सुनेंगे ना कि इसको कहीं जाना है तो बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि खाना सारा बनाना जानते हैं और मतलब नॉनवेज के शौकीन हैं और एकदम मस्त बनाते हैं, जम के खाते हैं और बहुत खुशी लगता है कि चलो हम घर से बाहर निकले। तो देखिए नहीं पता था तो मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहती हूँ कि कल एकादशी था, आज बृहस्पतिवार, और आ गई हूँ नहा खींच के पूजा पाठ करके लंच थाली तैयार करने के लिए। और सबको दे रही हूँ फ्रूट क्योंकि अब गर्मी आ गया है ना। और ये हरा चना देखिए अब तो बिल्कुल इसका सीजन खत्म हो गया है, तो इसी तरह से मैं नींबू मिर्च और ये थोड़ा प्याज खाएंगे तो प्याज डाल के दे दूंगी। यहाँ पर बेटा के लिए फ्रूट्स भी काट ली हूँ और बाकी मिस्टर वर्मा को भी दूंगी, और इसमें पपीता है, केला है, अंगूर है। तो पूरा गर्मी में मैं अपनी फैमिली को बहुत मतलब केयर करती हूँ, जिसमें आप लोग बोलते भी हैं। और कल का कमेंट्स आया था कि नॉनवेज के लिए, तो बहुत सारी हमारी सिस्टर लोगों का मतलब कमेंट्स आया था कि मतलब आज एकादशी है मटन नहीं बनाइए। तो देखिए मतलब मैं क्या बोलूँ, मिस्टर वर्मा खाने पीने के शौकीन हैं और उनके एक बचपन के मित्र जो कि गाँव में रहते हैं, गाँव का घी लेकर के आए, और जहाँ पे मतलब मेरा ससुराल है मधुबनी झंझारपुर के पास, तो वहीं से घी लेकर के आए। उन लोगों को भी मतलब बहुत दिन के बाद आए थे, तो उन लोगों की इच्छा हुई कि मिस्टर वर्मा के हाथ का मटन खाने के लिए। तो देखिए एकादशी तो नहीं करती हूँ, और मेरी मतलब मैं अपनी दादी माँ को देखती थी, माँ को देखती थी एकादशी करते हुए, मैं वो व्रत नहीं उठाई हूँ। 9 दिन का नवरात्र करती हूँ, दीपावली का पूजा करती हूँ, और मेन छठ में 1 महीना नहीं बनता है, दशहरा में 1 महीना नहीं बनता है। तो लेकिन आप लोगों का इस तरह से आ गया, तो चलिए मिस्टर वर्मा को ही मैं पूछ लेती हूँ कि क्यों व्रत त्योहार में मटन लेकर के आते हैं, और ये फ्रूट्स भी उनको दे देती हूँ। और कल मटन लेकर के आए थे तो बहुत सारा ऐसा कमेंट्स आ गया, इसीलिए हम नॉनवेज का थाली जो है ना मेरे पेज पे नहीं पसंद करते हैं लोग, बहुत लोग खाते हैं, लेकिन बहुत सारे जो इतना प्यार दे रहे हैं, जो सिंपल थाली मेरे किचन से मैं बनाती हूँ, लेकिन बहुत सारे से लेकिन आप तो अपना साथ साथ हमको भी भर नष्ट करते हैं। एकादशी है, हमको तो बनाना पड़ा, अभी हम सिर धो के नहा करके, जबकि बृहस्पत है नहीं धोना चाहिए, फिर भी हम पूजा पाठ किए हैं। आप जानते हैं कि हम पूजा पाठ थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं, लेकिन हमको ये भी नहीं पता था क्यों लेके आए, हमारे व्यूवर्स को आपको जवाब देना पड़ेगा। क्यों लेके आया हूँ, लेके आ गए आ गए, एक तो पहली बात की मालूम ही नहीं पड़ा था कि आज ये एकादशी है। बाद में फिर ले जब लेके चले आया तब तो पता चला कि 12 बजे रात से लगेगा, तब तक तो मटन खा ही सकते थे पूरे। और दूसरी बात की अब ज्यादा दिन हो जाता है तो हमको नहीं बर्दाश्त होता है, सब आदमी घर में पूजा ही हुई करने लगेंगे तो एक क्या होगा, वो अपना पूजा पाठ करती है अपना लीना, हमको इसे कोई मतलब नहीं, बेटा नहीं खाता नहीं खाता है, अब हम खाते हैं तो खाते हैं। आपके दोस्त भी तो आ गए थे, हमारे दोस्त भी आ गए थे, हम चूंकि एक ही दिन मानते हैं और खाली मंगलवार को, मंगलवार को नहीं बनता है घर में, बृहस्पतिवार को नहीं बनता है और सब रोज बनता है। छोटा बेटा शनिवार को भी छोड़ दिया है, अब रहता नहीं है, साथ साथ ही रहेगा तो शनिवार भी छूट जाएगा। ज्यादातर मतलब मेरा जो रहना हुआ है इनके मझले भाई के साथ, जेठ के साथ रहना हुआ है, और बहुत पूजा पाठ वो करते थे, और मतलब मेरा भी बहुत ज्यादा आस्था है, लेकिन अब मिस्टर वर्मा जो है वो तो मुंडी का है झुका लेते हैं, एकदम मीट मछली के शौकीन है तो क्या बोला जाए, अब पति है तो परमेश्वर है। जब है, आप लोग को इतना ये लगा जो नहीं खाना चाहिए तो भविष्य में इस सब बातों का ध्यान रखेंगे। रखिएगा, हाँ फिर 4 दिन होगा फिर कहिएगा कि मटन की भी नाम एकदम लग रहा है, तो चलिए कोई बात नहीं। और मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा व्रत त्यौहार करती थी, और मेरे पापा भी नहीं रह पाते थे मटन चिकन के बिना, तो कभी कभी जो छठ वाला एक इतवार होता है, एकदम छठ की तरह होता है अघन का इतवार, जिसमें गुड़ का खीर बनता है और ये सब बनता है, तो मम्मी भी करती थी बहुत ज़्यादा व्रत त्यौहार। पापा कभी कभी क्या होता था ले आते थे, तो मम्मी बना के खिला करके सिर उड़ धो करके तब रख देती थी, तो चलिए पति परमेश्वर है और मैं बना करके सारा खिला करके और आज नहा फिर के पूजा पाठ की हूँ। लेकिन आइंदा से मतलब एकादशी रहेगा जो व्रत त्यौहार रहेगा, मैं तो ध्यान रखती हूँ, लेकिन एकादशी मेरे यहाँ मतलब नहीं करती हूँ, मम्मी लोग करती थी, दादी माँ लोग करती थी, तो चलिए कोई नहीं। और आज के दिन की लंच थाली में क्या बनने वाला है, और पूछ लेते आज दिन की लंच थाली में क्या खाइएगा। आज तुम अपने विचार से बनाओ, आज हम कुछ नहीं बोलेंगे। रोटी खाइएगा, रोटी हाँ रोटी खा लेंगे। हाँ
हाँ देखिए रोटी खा लेंगे, रोटी बना दें बना दो हैं, बना दो सब्जी। सब्जी बना दो। ठीक है चलिए चलिए, तो अब जा रही हूँ किचन में और देखती हूँ कि आज के लंच थाली में क्या बनने वाला है। और